starting with Coriolanus. This is one of Roman plays. First point, that is one of Roman play. Okay. And if it is a Roman play, then it must be based on Plutarch's lives. Plutarch's lives. Translated by Thomas North. Okay. Then another point is that this is a tragedy. But deep में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको. सरफेस थिंग्स पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे. ओके. एंड इट इज फ्रॉम दिस प्लूटार्क्स लाइव्स. इट्स बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ कोरियोलानस. लाइव्स ऑफ कोरियोलानस. Coriolanus. Okay. ठीक है. अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. एक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग में डाउट हो सकता है, अब मैं उनको प्रोनसिएट करता हूँ, उसकी स्पेलिंग प्रोनसिएट करता हूँ. इसलिए क्योंकि हमारे बीच में एक स्टूडेंट है कल्याणी, हु इज विजुअली चैलेंज्ड. वो केवल हमारी वॉइस सुनकर के चीजें लिखती हैं. ठीक है. तो आप लोगों को ऐसा ऑड लग सकता है कि क्यों मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोलता हूँ लिखने के साथ साथ. तो ये बोलना उनके लिए है जो कि विजुअली चैलेंज है, और लिखता हूँ आप सभी के लिए. सो इसे जो है ऑड ना समझे, इट्स नीट. ओके. सो लाइव्स ऑफ कोरियोलानस. From Plutarch's Lives, the translation by Thomas North is the source of the play Coriolanus. And the hero of the play is, hero of the play is Cain Marcius, C-A-I-N. Marcius, Marcius. Okay. इस प्ले में इतना ही लोग समझेंगे, इसकी बहुत स्टोरी और प्लॉट लाइन पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे. देन इतना ही चीजें, दो चार पॉइंट्स नोट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. दैट इज टेकन फ्रॉम प्लूटार्क्स लाइव्स, रोमन प्ले, और बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ कोरियोलानस, एंड द हीरो इज केन मार्कस, CAINMARCIUS. नेक्स्ट वन इज पेरिक्लीज. Pericles, Prince of Tyre. Pericles, Pericles. Prince of Tyre, Tyre, Tyre. Okay? It's a Elizabethan Jacobean play. देखिए एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एज का डिवाइडेशन है वो 1603 आपको याद रहेगा. That is, यहां से क्या होता है, एलिजाबेथन एंड होता है और जैकोबियन एज शुरू होता है. लेकिन अगर आप शेक्सपियर के वर्क्स में देखें तो बहुत वेरी फ्यू वर्क्स हैं जो कि 1600 के 03 के पहले के हैं. मींस जो मेजर प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, वो सबके सब जैकोबियन एरा में आते हैं. लेकिन विलियम शेक्सपियर को हम लोग
सिंपली कहाँ पर पढ़ते हैं, एज एलिजाबेथन मान करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर किसी प्ले को जैकोबियन कह दिया जाए, एलिजाबेथन कह दिया जाए, देन उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो प्रिंस ऑफ टायर इज अ एलिजाबेथन जैकोबियन प्ले, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट वॉज नॉट इंक्लूडेड, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन हिज फर्स्ट फोलियो। ओके, फर्स्ट फोलियो 1623, दैट इज पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फोलियो इन 1623, दिस प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड एंड देयर वॉज ओनली 36 प्लेज इन द फर्स्ट फोलियो and Pericles was not included. Okay, and next please, Winter's Tale. Winter's Tale, first three act filled with psychological drama. First three acts are filled with psychological trauma. Sorry, galat likh diya maine. First three acts are filled with psychological trauma. And last two acts are comedies. Okay, जो first three acts हैं वो trauma, कैसा trauma है उनमें, psychological trauma है, but last two acts means act 4 and 5 are comedy. Okay, pure comedy. And main plot of this play, next point is main plot of this play is taken from Robert Greene's Pantosto. Remember the word Pantosto, Pantosto. And this Pantosto is a psychological romance. Pastoral romance. Is a pastoral romance. Robert Greene's Pantosto is the source of this play, source of main plot, and this Pantosto is a pastoral romance. Which was written in 1588. It's enough for this much, and next is Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing is a comedy of errors or the comedy of confusion
कॉमेडी ऑफ एरर्स और कॉमेडी ऑफ कंफ्यूजन, मच एडू अबाउट नथिंग, MUCHADU अबाउट नथिंग, NOTHING, मच एडू अबाउट नथिंग, 1598-1599, ओके। द स्टोरी डील्स विद बेंडिक, बेट्रीस, डॉन पेड्रो एंड अ गर्ल नेम हीरो। द स्टोरी डील्स विद द कैरेक्टर्स, द स्टोरी डील्स विद द कैरेक्टर्स बेनेडिक्ट बीट्रीस, डॉन पेड्रो एंड हीरो। हीरो इज द नेम ऑफ गर्ल, द हीरोइन of the play. Okay, I'm speaking the spelling Benedict, BENIDICT, Benedict. Beatrice, BEATRICE. Don Pedro, DON, Don, PEDRO, Pedro. And Hero, HERO. Hero is the name of heroine of the play. Okay. And here is confusion of love, confusion between lovers. यहाँ पर दो couple of lovers हैं, उनके बीच में confusion create होता है, और उस confusion को दूर करने के लिए जो hero है, जो female protagonist of the play है, उसे अपने मरने का नाटक करना पड़ता है। Thereafter बाद में सारे confusions दूर होते हैं और play happily end होता है। Okay? और यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको कहते हैं डॉगबेरी, इसे जरूर याद रखें, डॉगबेरी। डॉगबेरी इज अ क्लाउन, और फूल, ओके। एंड लॉर्ड बायरन gives a turn, Lord Byron gives a term dogberryism I'm reciting the spelling. Dogberry, DOGBERRY, Dogberry. And Dogberryism, DOGBERRISM, Dogberryism. So, Lord Byron gives a term, Dogberryism, based on the character of Dogberry. Okay? Based on the character of Dogberry. Okay? Dogberry के character पर based एक term देते हैं कौन? Lord Byron. और जो term ये बताता है आपको that जो कि very similar किससे है? Very similar to the term malapropism. Very similar to the term malapropism. MELAPROPISM, malapropism, okay, which is inspired from the character of Mrs. Malaprop,
कैरेक्टर ऑफ मिसेस मेलाप्रॉप, ओके, MELAPROP, फ्रॉम द प्ले राइवल्स बाई आरबी सेरेडन, बाई आरबी सेरेडन, SHERIDIAN, आरबी सेरेडन मीन्स रिचर्ड ब्रिंसले सेरेडन। रिचर्ड ब्रिंसले सेरेडन का एक प्ले है, प्ले का नाम क्या है, द राइवल्स, एंड फ्रॉम द राइवल्स देयर इज अ कैरेक्टर मिसेस मेलाप्रॉप, एंड फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मिसेस मेलाप्रॉप द टर्म इज डिराइव्ड मेलाप्रॉपिज्म, एंड द डॉगबेरीज कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मच अडू अबाउट नथिंग, एंड लॉर्ड बायरन डिराइव्स द टर्म डॉगबेरिज्म, ओके, both are the terms and the term dogbearism or malapropism tells about false use of language, means just wrong pronunciation of language. Simply understand it as wrong pronunciation of language. Language, that is words. Wrong pronunciation of words to create comedy. वर्ड्स का गलत प्रोनाउंसिएशन जो है करना किस लिए, टू क्रिएट कॉमेडी, उसे क्या कहते हैं, डॉगवेरिज्म या मेलाप्रॉपिज्म। सिंपली आप ये चीज याद रखिए कि ये दोनों टर्म डेराइव कहां से किए गए, ओके। सेटिंग ऑफ द प्ले, सेटिंग ऑफ द प्ले, ऑफ द प्ले इज Machina, MESSINA, Machina, and Machina is a part of the island of Sicily. SICILY, the island of Sicily. Island of Sicily का एक छोटा सा पार्ट है मेसिना और वहीं की सेटिंग है, ओके। सो नेक्स्ट इज ट्रायलस एंड प्रोसीडा। इतने में कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप तुरंत जो है अपना टेक्स्ट करिएगा। शेक्सपियर एंड करके हमें जैकोबियन ड्रामा बिगिन करना है और हमारा टारगेट है कि हम लोग जैकोबियन ड्रामा इंट्रोडक्शन फिनिश करके आज की क्लास फिनिश करते हैं। कल हम लोग बिगिन करेंगे बेन जॉनसन, ओके, बेन जॉनसन, देयर आफ्टर जॉन बेस्टर एंड अदर प्ले राइट्स ऑफ जैकोबियन एरा। आई होप 2 से 3 दिन का टाइम ये लेंगे। सो नेक्स्ट प्लीज, Troilus and Cressida, TROILUS, Troilus and Cressida, CRESSIDA, Troilus and Cressida, 1601-1602।
एंड ट्राइलस एंड क्रेसिडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क कॉमेडी, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क कॉमेडी. And the play ends. Second point is that the story is based on Trojan War. The story is based on Trojan War. Okay, War of Troy. Trojan War. And the play ends with the death of Hector. Death of Hector. Hector, 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 death of Hector. Hector की death के साथ play end होता है. And the setting of the play is, later year. Years of the Trojan War. Trojan War. Okay. First published in quarto edition. First publication is 4th edition. Okay. एक यहाँ पर क्वार्टो और फोलियो में डिस्क्रिमिनेशन है इस प्ले को लेकर के, इसे भी आप लिख लें. दैट इज द क्वार्टो एडिशन. क्वार्टो एडिशन क्लासिफाइड द प्ले बाय दिस प्ले एज history play. History play. While the folio edition classified it as tragedy. Okay, remember this thing. Quarto edition में इसे history play बताया गया है and in folio edition, first folio में इसे tragedy बताया गया है. And in first folio. Folio 1623. It is published under the title The Tragedy
ऑफ, सॉरी स्पेलिंग आप ध्यान रखिए यहाँ, DIE, लेट जस्ट मिनट, यहाँ पर ट्रेजडी की स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट है। ट्रेजडी की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, TRAGEDIE, ट्रेजडी, ओके, ऑफ ट्रायलस एंड क्रिसीन, ओके, इस टाइटल से जो है ये प्ले फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया है। And this much is about the plays. And now, next thing is Shakespearean criticism. Okay, Shakespearean criticism जो है बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ हम अभी शॉर्ट में केवल उतने questions पर discussion कर ले रहे हैं जितने questions हमने यहाँ sort out किए हैं। Thereafter other जो criticism है वो हम लोग जो है आगे बात कर लेंगे, फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है पहला वो है, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंडन प्लेराइट ही डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो, हमें इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को ये पता है। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर एज अपस्टार्ट क्रो, ए रॉबर्ट ग्रीन, वेरी गुड। लाइन क्या थी किसी को याद है? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। सो नेक्स्ट इज, व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टराइजेशन डज जॉनसन एडमायर इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर। हम लोग प्रीफेस टू शेक्सपियर क्लियर डिटेल में भी पढ़ेंगे, और अभी यहाँ पर आंसर जो आपका है ये आंसर है थर्ड, द वे हिज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द जनरल पैशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर। जैसे विलियम शेक्सपियर अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जनरल पैशंस और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट करता है, उस चीज को डॉक्टर जॉनसन अपने वर्क शेक्सपियर क्रिटिसिज्म प्रीफेस टू शेक्सपियर, सॉरी प्रीफेस टू शेक्सपियर में इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज जॉनसन्स ओपिनियन रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये दुनिया जानती है कि विलियम शेक्सपियर सारी यूनिटीज को फॉलो नहीं करता है, तो उस पे जो है डॉक्टर जॉनसन ने डिफेंड किया है विलियम शेक्सपियर को, तो पूछ रहा है कि डॉक्टर जॉनसन का ओपिनियन क्या है अबाउट द वायलेशन। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन क्या है यहाँ पर, शेक्सपियर फॉलोड द इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑफ एक्शन सेटिस्फैक्टरली जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो करता है। एंड फोर्थ इज दैट यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस अराइज फ्रॉम फॉल्स अजम्पशन। और डॉक्टर जॉनसन का कहना है कि टाइम एंड प्लेस की जो यूनिटी है ये फॉल्स अजम्पशन की चीज है, ओके। नेक्स्ट प्ले है, यहां पर आप देखें, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यहां पर चार शेक्सपियरियन क्रिटिक्स लिखे गए हैं, एसी ब्रेडले, कैरोलाइन स्पर्गन। जब आप ओनली स्पर्गन सर्च करेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो कई सारे स्पर्गन आपको मिल जाएंगे, चार्ल्स स्पर्गन, थॉमस स्पर्गन, कैरोलाइन स्पर्गन, तो बड़ा खोजने से मिलेंगे, ओके। तो यहां पर नाम इनका पूरा याद रखिएगा, कैरोलाइन स्पर्गन,
एंड नेक्स्ट इज टी एस एलियट, स्टेफन ग्रीन बैलेट. ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनका टाइमिंग क्या है, वो भी मैंने यहां लिख दिया है. और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि इनका कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर पर. टाइमिंग सबसे पहले जो है 1851-1935 एसी ब्रेडले हैं. सेकंड कैरोलाइन स्पर्गन 1869-1942, टीएस इलियट 1888-1965 एंड स्टेफन ग्रीन बैलेट जिसको हम लोग कल्चरल स्टडीज में भी पढ़ेंगे. ठीक है, ये भी शेक्सपियरियन क्रिटिक्स में आते हैं और ये 1943 में पैदा हुए थे, अभी मरे नहीं. ठीक है, और अब इनके वर्क्स को आप नोट कर लीजिए. एक एक इनके वर्क्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एसी ब्रेडले का वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, मैं नाम ही ऊपर लिखता जा रहा. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बाई एसी ब्रेडले पब्लिश्ड इन 1904. ओके, नेक्स्ट है कैरोलाइन स्पोकटन, इनका वर्क है शेक्सपियर्स इमेजरी. शेक्सपियर्स इमेजरी It was published in 1935. And T.S. Eliot का जो work है इसमें आप एक ले सकते हैं Hamlet and his problems. Hamlet and his problems. 1919. ओके, सेकेंड इनका जो वर्क है शेक्सपियर एंड हिज स्टोइसिज्म, STOICISM of Seneca, SENECA, published in 1928. ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं T.S. Eliot के ऑन शेक्सपियर. देन स्टेफन ग्रीन बैलेट का वर्क है दो वर्क. पार्डन सर, द सेकंड वर्क ऑफ T.S. Eliot इज Second work by T.S. Eliot is Shakespeare and his Stoicism, STOICISM, Stoicism of Seneca, SENECA, published in 1928. Okay, Stephen Green Bellet ke do works hain. One is The Norton Shakespeare. NORTON Norton Shakespeare 2015 में पब्लिश हुआ था. एंड देन अदर इज टायरेंट, TYRANT, टायरेंट. सब टाइटल है, कोलन के बाद लिखिएगा शेक्सपियर शेक्सपियर ऑन पॉलिटिक्स, ऑन पॉलिटिक्स. इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो 2018 है. ओके, सो चार बड़े क्रिटिक विलियम शेक्सपियर के, एसी ब्रेडले 1851 to 1935,
1851 is birth year, 1935 is death of A.C. Bradley. Shakespearean tragedy, 1934. Caroline Spockton's work is Shakespearean tragedy. And other two works of T.S. Eliot, two works of Stephen Greenblatt. This session is going to end, and next session will start Jacobean drama. Okay. हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो है फोर क्रिटिक्स एंड डियर वर्क्स. कैरोलाइन स्पॉकटन्स वर्क इज शेक्सपियर्स इमेजरी 1935. टीएस इलियट्स टू वर्क्स हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919. शेक्सपियर एंड हिज स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका 1928. एंड स्टीफन ग्रीनबैलेट टू वर्क्स The Norton Shakespeare 2015 and Tyrant Shakespeare on Politics 2018. Okay? इतनी बातें क्लियर है? Say yes, no. Please. Am I audible? Please let me know. Have you done with Shakespeare? Yes. Yes. Have you any question now? No, sir. Because I'm moving ahead to Shakespeare se aage main badh raha hu. Okay, Shwati. So, now we are moving to Jacobean drama. Your internet is unstable. Okay. Okay, हम लोग drama में अब move कर रहे हैं कहाँ? Jacobean drama पर. Okay. So. जैकोबियन ड्रामा से पहले ठीक पहले की एक इंसिडेंट है जिसको हम लोग समझ लेते हैं और उससे उसके बाद हम लोग कहां पहुंचेंगे जैकोबियन ड्रामा. ये भी एक्चुअली जैकोबियन ड्रामा से रिलेटेड चीज है. दैट इज बिशप्स बैन. बिशप्स बैन ऑफ 1599 एंड The Bishop's Ban lead to the War of Theatres. Okay? Have you heard about these two? Bishop's Ban and War of Theatres. Am I audible to you all? Yes, sir. Okay. Response नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि जैसे आवाज नहीं जा रही. Sorry, sir. Actually, due to the network issue. कोई बात नहीं. That's the problem. No problem. Okay, so. Here is my network issue.
in the year 1599, Bishop of Canterbury issued an act, issued an order that all prose satire, okay, satire in prose, okay, that is satire in prose and verse will be banned. Actual mein bishop's ban kya hai? Actual ban on satire in prose and verse means ki after that ban, no satire can be published in prose or poetry. तो प्रोज और पोएट्री में किसी को सेटराइज नहीं किया जा सकता था, ऐसा ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया. किस ईयर में? 1599. दैट वाज नोन एज बिशप्स बैन ऑफ 1599. अब यहां से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो प्रॉब्लम ये हुई, जो राइटर्स थे उस टाइम के, दे डिवाइडेड इन टू पार्टीज, वन सपोर्टर्स and that is opposition, means right and left. कुछ ऐसे थे जो support कर रहे थे and the other were opposing it. Okay, supporters में कौन थे? Mr. Ben Jonson. Ben Jonson ने जो है support किया और उसका विरोध लोगों ने किया. तो लोगों ने विरोध कैसे किया? उन्होंने लिखा प्ले. किसने लिखा? द वार ऑफ थिएटर्स बिगिन बाय मार्स्टन, जॉन मार्स्टन, सेटराइजिंग जॉनसन्स प्राइड थ्रू द कैरेक्टर शिशोगेनस इन हिज प्ले हिस्ट्रियोमैस्ट्रिक्स. हिस्ट्रियोमैस्ट्रिक्स इज HISTRIOMASTIX, Histiomastix, published in 1599. Okay, तो पहला प्ले किसने लिख करके बिगिन किया इस वार को? वार ऑफ थिएटर्स. एक्चुअली वार ऑफ थिएटर्स है क्या, ये समझ में आया? प्रोज सटायर, वर्स सटायर बैन हो गया, तो एक मीडियम बना बचा. राइटर्स क्या करने लगे? ड्रामा लिखते और उसमें अपने अपोजिट, जो अपोजिट पार्टी है उसको सटराइज करते. तो इसकी बिगनिंग किसने की? मार्स्टन ने की, 1599 में की. कौन सा वर्क लिखा? ही मार्स्टन रोट हिस्ट्रियोमैस्टिस, HISTRIOMASTIX, हिस्ट्रियोमैस्टिस. ओके, वहां पर किसे सटराइज किया? ही सटराइजेस बेन जॉनसन. ओके, एंड बेन जॉनसन ने इसका रिप्लाई दिया इन द सेम ईयर बाय राइटिंग एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. इन द सेम ईयर 1599, बेन जॉनसन रोट टू सेटराइज मार्स्टन, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. ओके, एंड अगेन Marston replied, John Marston replied with Jack Drum's Entertainment, 1600, Jack Drum's, J-A-C-K, Jack, D-R-U-M apostrophe S, Entertainment, E-N-T-E-R-T-A-I-N-M-E-N-T, 1600, Jack Drum's Entertainment, 1600. And here in this play, Marston satirizes Ben Jonson. Okay? Through the character of Brabant Senior, who was a cuckold. Okay? Next. अगला प्ले कौन सा हुआ? सिंथियास रेबल, 1600, सेम ईयर में लिखा. किसने लिखा? जॉनसन सरप्राइजेस बोथ मार्स्टन एंड डेकर. अब यहां एक और कैरेक्टर कूद पड़ा. कौन? मार्स्टन अभी तक अकेले थे, अभी डेकर को भी यहां सरप्राइज किया गया. देन
Marston's next attack on Johnson in what you will. Okay, what you will. एक बात ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर के भी एक प्ले का जो सब टाइटिल है, जो दूसरा टाइटिल है वो what you will है, ठीक है? और दूसरा किसने लिखा है? जॉन मार्स्टन ने लिखा what you will in 1601. Okay? इसका रिप्लाई रिस्पॉन्स क्या आया? जॉनसन की तरफ से आया बाय राइटिंग पोएटेस्टर 1601, द पोएटेस्टर 1601, इन विच जॉनसन पोर्ट्रेज द कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्स्टन एज वॉमिटिंग बॉम्बेस्टिक एंड रेडिकुलस वर्ड्स ही हैज इंजेस्टेड. यहां पर मार्स्टन को फिर से क्रिटिसाइज किया जॉनसन ने किस वर्क में? पोएटेस्टर, द पोएटेस्टर, पी ओ ई टी ए एस टी ई आर 1601. ओके, एंड ये जो लड़ाई थी, ये जो क्रिटिसिज्म की लड़ाई थी, इसको एंड किया डेकर ने बाय राइटिंग सटायरो मेस्टिस्क एस ए टी आई आर ओ Satyromastisk, M-A-S-T-I-X, Satyromastisk, 1601, which mocks Johnson as a character Horace, as an arrogant and overbearing hypocrite. Okay, तो ये एक writers की लड़ाई थी जिसको कहा गया War of Theatres, जिसमें क्या हुआ कि प्लेज के थ्रू एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया गया. बाद में हुआ क्या था, ये लोग फिर से टर्म्स में आए और उन्होंने साथ में कोलैबोरेशन में वर्क्स लिखे, ईस्टवर्ड हो वेस्टवर्ड हो, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पांस में, उनका चर्चा हम लोग आगे करेंगे. तो यहाँ पर इतना जो है आप याद रखिएगा कि किसने बिगिन किया, स्टार्ट किया मार्स्टन ने और एंड किया डेकर ने. दूसरी पार्टी में कौन था? जॉनसन, बेन जॉनसन. ओके, नाउ कम टू जैकोबियन ड्रामा. सो जैकोबियन ड्रामा इज डेवलपमेंट फ्रॉम शेक्सपियर. शेक्सपियर से आगे का जो डेवलपमेंट है वो जैकोबियन ड्रामा है. और एक तरीके से अगर आप ध्यान दें तो जो जैकोबियन एलिमेंट्स है वो विलियम शेक्सपियर में भी मिलेंगे. विलियम शेक्सपियर में जो मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे कि आप विलियम शेक्सपियर के प्लेस जो 16th सेंचुरी में लिखे गए हैं, प्लीज जस्ट अ मिनट, हियर इज अ कॉल. आशुकांत, हेलो. ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि अगर आप जो है विलियम शेक्सपियर के प्लेज को पीछे जाकर के देखें, मींस कि कहां जाना है आपको 1603 या फिर 1600 के पहले के जो अर्ली प्लेज हैं, ठीक है, मींस जिसको कैटेगराइज किया जाता है इन द वर्कशॉप, मींस द पीरियड ऑफ वर्कशॉप ऑफ विलियम शेक्सपियर, वहां के जो प्लेज हैं और जो उसके लेटर प्लेज हैं जो कि उसने 1603 के बाद लिखे हैं, 1602 के बाद लिखे हैं, जो उसके मैच्योर प्लेज हैं, उनकी जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जस्ट मिनट प्लीज. तो हम ये कह रहे थे कि जब आप शेक्सपियर के प्लेज को कहां के जो उसने लिखे आफ्टर 1602 आफ्टर 1603 मींस कि लेटर जो पीरियड शेक्सपियर के रहे वहां के वर्क्स को जब आप देखते हैं देन यू मे फाइंड सेवरल सिमिलर एलिमेंट्स विद बेन जॉनसन एंड जॉन वेबस्टर एंड अदर प्लेराइट्स एंड You may find dissimilarities, differences
from the earliest plays of William Shakespeare himself. Okay? तो यहां पर जो नई चीजें मेंशन हुई, नई चीजें डेवलप हुई, उनको हम अगर ध्यान दें तो हम लोग मेजर फाइव टाइप ऑफ प्लेज, ठीक है, फाइव प्रॉपर ड्रामेटिक प्रैक्टिसेस हम लोग पाते हैं जिनकी प्रैक्टिस किस एरा में हुई, जैकोबियन एरा में, ठीक है। अब इनमें से आप कहेंगे कि रेवेंस ट्रेजेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन्स बोथ वर प्रैक्टिस्ड बाई विलियम शेक्सपियर आल्सो। ये दोनों ऐसी थी जो कि विलियम शेक्सपियर ने खूब लिखा। सिटी कॉमेडी और सिटी कॉमेडी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी विलियम शेक्सपियर के यहाँ मिलते हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मास्क लिखने की बिगनिंग बेन जॉनसन ने की, वो जो है विलियम शेक्सपियर के प्लेज के एसोसिएशन में चल रही थी, कई सारे प्लेज के साथ में परफॉर्मेंस के लिए बेन जॉनसन ने मास्क लिखे थे, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें जो बातें मैंने अभी आपको बताई। इतने में कोई डाउट, एनी डाउट, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेवेंस ट्रेजेडी पर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Okay, so now here we have to discuss, that is, first thing is revenge tragedy. Okay, first thing is, what is revenge tragedy? That is written in tradition of Seneca. Means revenge tragedy ka jo root hai wo kahan se aata hai? It comes from Seneca, from Senecan tragedies, and the main characteristic main feature of the revenge tragedy is bloodshed and violence. Bloodshed and violence is on its extreme in revenge tragedies, and revenge is the proper motive and theme in revenge tragedies. Revenge निश्चित रूप से होगा, जो कि आपने tradition में पढ़ा, कहाँ पढ़ा? आपने गारबुडक में पढ़ा, आपने की सैनिकन सॉरी स्पेनिश ट्रेजेडी में पढ़ा, ठीक है। सेम चीज जब आगे कंटिन्यू होती है तो वहां पर आपको एग्जांपल में मिलता है कौन सा, हैमलेट मिलता है, रेवेंजर्स ट्रेजेडी मिलता है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, मिडलटन का वर्क है। लेकिन इसके लिए आप एक बात ध्यान रखें, इसे पहले एट्रीब्यूट किया जाता था सरल टर्नर, लेकिन बाद के रिसर्चेस में ये बात क्लियर हुई that Revenger's tragedy was written by Middleton, okay, Thomas Middleton, and Thomas Middleton's Women Beware Women is also a revenge tragedy. Webster's White Devil and Duchess of Malfi both are revenge tragedies, and Middleton and Rowley's The Changeling, written in collaboration, The Changeling is also a revenge tragedy, and John Ford's It's Pity She is a Whore, It's Pity She is a Whore is also a revenge tragedy. So I'm repeating all these with the spellings, okay? Shakespeare's Hamlet, Middleton's Revenger's Tragedy, Middleton's Middleton apostrophe S, Middleton's Revenger's Tragedy, Revenger, Revenger apostrophe S, Revenger's Tragedy, Tragedy, formerly attributed to Cyril Turner, Cyril Turner, Turner, okay? And next place, Middleton's Women Beware Women, Women Beware, B
WEWARE, women, WOMEN. Webster's, the White Devil and the Duchess of Malfi. Middleton and Rowley's, Rowley apostrophe S. Rowley's, the Changeling, Changeling, Changeling. Okay, and the last one is John Ford's, It's Pity, apostrophe T-I-S, It's means it is, Pity, P-I-T-Y, C is a whore, S-H-E apostrophe S, a whore, W-H-O-R-E, C is a whore, okay? I think आपने लिख लिया होगा और ये चीजें समझ में आई. रेवन स्ट्रेस जी क्या है, ब्लडसेड है, वायलेंस है, मैसा जो है क्या कहते हैं उसको, मैकाबर प्ले है, ये रेवन स्ट्रेस जी. ठीक है, एक जो दूसरी नई चीज आई उसे कहा गया ट्रेजी कॉमेडी, मींस ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, ट्रेजेडी प्लस comedy, that are Shakespeare's romances. Shakespeare's romances, okay, जो कि क्या है, Shakespeare के romances भी है. Okay, Shakespeare के romances आपने देखे, Merchant of Venice is a best example of trazy comedy, which has tragedy as well as comedy also, both elements in a same play is known as trazy comedy. Okay, and other examples of Fletcher's, the faithful Sephardus, Fletcher's the faithful Sephardus. Okay, and Beaumont and Fletcher's Philaster and Love Lies of Bleeding. I'm repeating, Beaumont, B-E-A-U-M-O-N-T, Beaumont, and Fletcher's, F-L-E-T-C-H-E-R, Fletcher's, Philaster. Philaster is one work and Love Lies of Bleeding is another. Philaster is P-H-Y-L-A-S-T-E-R, Philaster, and the next work is Love Lies, L-I-E-S, a bleeding, B-L-E-E-D-I-N-G, bleeding. Okay? So, next thing is city comedy or citizen comedy. City comedy or citizen comedy. Okay, जैसे जैसे Elizabethan age से हम आगे बढ़ते, हम शेक्सपियर के अर्ली टाइम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वी फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज इन द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड द स्पेक्टेटर्स. व्हाट वाज दैट ड्रास्टिक चेंज, दैट दे डोंट वांट टू सी, दे डोंट वांट टू वॉच, दे हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिएटेड सीन्स, इन फिक्शनल सीन्स, दे वांट सम रियलिटी, दे वांट टू सी the real society, the real story on the stage. That's why here comes city comedy or citizen comedy. Or city comedy ya citizen comedy mein kya hua, wahan par kiski baatein aayi, lower class, lower class London life, jo aam log the unki baatein thi, unki kahaniyan likhi gayi. आप जरा शेक्सपियर के वर्क्स उठा के देखो, कहानी किसकी है, डील्स विद द स्टोरी ऑफ किंग, वॉरियर्स, स्टोरी ऑफ हाई क्लास. बट सिटी कॉमेडी और सिटीजन कॉमेडी इज द स्टोरी ऑफ कॉमन मैन, जो लोअर क्लास लंदन लाइफ है उसको डिपिक्ट किया गया. और इसमें और जो मेजर थीम्स क्या आई, मेजर थीम्स आपको मिल जाएगी अडल्ट्री, unhappy marriage, debts and couples. ये major themes निकल करके आते हैं. अब example में मैं यहाँ पर आपको एक 22 plays की पूरी list दे रहा हूँ, जो कि example है
of city comedy or citizen comedy. स्क्रीन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पर इन 22 का नाम नोट कर लें. आई एम रीडिंग देम अलाउड फॉर कल्याणी. ओके, द फर्स्ट वन इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 बाय बेन जॉनसन. Second one is The Family of Love 1602 by Thomas Middleton. Kalyani मैं एक बार ही पढ़ रहा हूं, अगर कुछ छूट जाता है अगेन से आप ऑडियो में कर लेंगे इसको, ठीक है? ऑडियो आपको मिल जाएगा तो वहां से आप मैच करके अगेन पूरा फिर से सही कर लेंगे, ठीक है? एंड थर्ड इज द वाइज वेमेन ऑफ हॉक्सटन 1604 Thomas Hill. Fourth is A Trick to Catch the Old One 1604 by Thomas Middleton. Next hai The Dutch Courtesan. The Dutch Courtesan D-U-T-C-H C-O-U-R-T-E-S-A-N 1604 by John Marston. Number six, Westward Ho, W-E-S-T-W-A-R-D, H-O-O, 1604 by Thomas Dekker and John Webster. This is a collaborative play written in collaboration with Dekker and Webster. Next one is Eastward Ho, E-A-S-T-W-A-R-D, H-O-O, 1605 by George Chapman, Ben Jonson and John Marston. Here are three collaborators, Chapman, Jonson and Marston. Okay, यही Marston था जो कि War of Theatre में Jonson को criticize कर रहा था, लेकिन फिर से ये terms में आए और उन्होंने एक साथ क्या लिखा, Eastward Ho, which is written in response of Westward Ho by Thomas Dekker and John Webster. ठीक है, और Eastward Ho लिखने के लिए इन तीनों को पनिशमेंट भी मिली थी. किंग को ये वर्क बहुत बुरा लगा था जिसकी वजह से इन तीनों को पनिशमेंट मिली थी. ओके, नेक्स्ट इज Northward Ho, N-O-R-T-H-W-A-R-D, H-O, Northward Ho, by Thomas Dekker and John Webster, is work of 1605. Number 10 is just a minute, please. Okay. Number 10 is Michaelmas Term. Michaelmas Term, M-I-C-H-A-E-L-M-A-S, T-E-R-M, Michaelmas Term, 1605 by Thomas Middleton. 11 is A Mad Word, W-O-R-L-D, My Masters, A Mad Word, My Masters, 1605 by Thomas Middleton. 12 is Religing. C-U-P-I-D apostrophe S W-H-I-R-L-I-G-I-G. Religion. Okay, 1607 by Edward Shorefam. And number 13 is Your Five Gallants. G-A-L-L-A-N-T-S. Gallants. By 1607 by Thomas Middleton. Number 14 is Ram Alley or Mary Tricks. 1608
by Lauding Berry. And number 15 is Epicene, The Silent Woman, very important work by Ben Jonson, 1609. Alchemist, 16010 by Ben Jonson, very important work. And next is, these are two are very important. The Roaring Girl, 1611 by Thomas Middleton and Thomas Dekker are the examples of city comedies. And there are five other plays, A Chaste Maid in Cheapside, A Chaste Maid in Cheapside, 1611 by Thomas Middleton. And 19 is Bartholomew Fair, Bartholomew Fair, Bartholomew Fair, 1614 by Ben Jonson. Number 20 is Anything for a Quiet Life, 1621 by Thomas Middleton. And it is a possibility that it is written in collaboration with John Webster. 21 is a new way to pay old debts. Very important play for its title. Just title is important. A New Way to Pay Old Debts. 1621 by Philip Messenger. 22 and last one is The City Madam, 1632 by Philip Messenger. Massinger. ये थे 22 सिटी कॉमेडीज. नेक्स्ट थिंग इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. ओके, एंड दिस इज पर्टिकुलर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलरली बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन. ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? इज अ जॉनरा ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी दैट focuses on a character or a range of characters. Means यहाँ जो comedy का focus है वो किसी एक character पर, particular character की characteristics पर होती है, या फिर कुछ a particular type of character, एक range of character होती है, उस पर based होती है. Okay? इसका जो beginning है कौन है? Ben Jonson and जॉर्ज चैपमैन, who popularized genre in closing years of the 16th century and in the beginning of 17th century. Okay? Actually, में ये जो inspired है ancient time में, ये ऐसे plays, ऐसी comedies popular थी, ठीक है? लेकिन English में इसको popularize करने का जो काम है उसको किसने किया? It was done by Ben Jonson and George Chapman. It was combined with the comedy of manners in Restoration comedy. ये बात ध्यान रखिएगा, it is combined with comedy of manners in Restoration comedy. Okay? So, here is a picture that tells about four moods, four temperaments of a character. That is chrism, choleric, sanguine, and melancholy. Okay, this is melancholy, this is sanguine, and choleric, and phlegmatic. Okay, so come to next thing. Here is a table. Okay, the table tells you about the humors, that are four humors: seasons, ages, element, organ, qualities, and temperament related to that humor. Means ये एक theory of humors है that tells us कि there are four humors present in our body, present in the body of every human being.
जैसे आप हमारे इंडिया में एक थियरी क्या है, थियरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स, ठीक है, इंडिया में क्या कहते हैं उसको, पांच तत्व से मिलकर के ह्यूमन बॉडी बना है। तो यहाँ पर एक जो थियरी आपके सामने आ रही है वो क्या है कि हर एक बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फाइव ह्यूमर्स। वो फाइव ह्यूमर्स क्या है, दीज फाइव ह्यूमर्स आर ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेजम। ओके, दीज फोर ह्यूमर्स आर ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेजम। देन दीज ऑल फोर आर रिलेटेड टू फोर सीजन्स। ब्लड इज रिलेटेड टू स्प्रिंग, येलो बाइल इज रिलेटेड टू समर, ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू ऑटम एंड फ्लेजम इज रिलेटेड टू विंटर। एज द सेम ऑल फोर आर रिलेटेड टू फोर एजेस ऑफ ह्यूमन बींग। ब्लड इज रिलेटेड टू इन्फेंसी, येलो बाइल रिलेटेड टू यूथ एंड ब्लैक बाइल टू एडल्टहुड एंड फ्लेजम टू द ओल्ड एज। एंड ऑल द सेम ऑल दीज फोर ह्यूमर आर ऑल्सो रिलेटेड विद द फोर एलिमेंट्स। जो अभी हमने फाइव एलिमेंट्स की बात की वो ऐसे ही फोर एलिमेंट्स से रिलेटेड है, ठीक ठीक है। दैट इज एयर इज रिलेटेड टू ब्लड, येलो बाइल इज रिलेटेड टू फायर, ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू अर्थ एंड फ्लेजम इज रिलेटेड टू वाटर। अब यहां पर भी लास्ट आपने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन ये था कि विच कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द टेम्पेस्ट इज रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। तो अर्थ यही है, ठीक है, द टेम्परामेंट द ब्लैक बाइल एंड द एलिमेंट वॉज अर्थ एंड हिज मूड हिज टेम्परामेंट वॉज मेलेंकोली। ओके, सो ऑर्गन्स आर ब्लड इज रिलेटेड टू लीवर, येलो बाइल इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू स्प्लीन एंड फ्लेजम इज रिलेटेड टू ब्रेन और लंग्स। क्वालिटीज आर जिनमें ब्लड ज्यादा होगा वे क्या क्वालिटी हो, वार्म एंड मॉइस्ट एंड येलो बाइल इज वार्म एंड ड्राई, ब्लैक बाइल इज कोल्ड एंड ड्राई, बहुत लेजी होगा एंड फ्लेजम इज कोल्ड एंड मॉइस्ट, ठीक है। सो देयर आर फोर टेम्परामेंट्स आल्सो, दैट इज ब्लड इज सैंग्विन, टेम्परामेंट इज सैंग्विन मींस फुल ऑफ स्पिरिट, दैट इज एग्जांपल इज एरियन, द एग्जांपल इज पक, रॉबिन हुड फेलो एंड येलो बाइल इज कॉलरिक एंड ब्लैक बाइल इज मेलेंकोलिक। Remember this melancholic temperament as a special, because according to Ben Jonson, melancholic temperament or the humor of melancholy or the humor of black bile is very genuine to the human being of that time. Okay, and the last one is phlegm is related to phlegmatic temperament. So all these are very important, especially melancholy. Okay, so next and I think last thing is mask. Mask is performed in court by amateur artists or courtiers. पहली शर्त क्या है कि इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं करते हैं, अमेच्योर आर्टिस्ट करते हैं एंड कोर्टियर्स करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज दिस इज सेमी ड्रामेटिक एंड पार्ट ऑफ फेस्टिविटीज, ठीक है। वन इंफॉर्मेशन दैट दिस सेशन इज गोइंग टू एंड एंड विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन एंड एंड दिस मास्क एंड दिस क्लास आल्सो। सो आफ्टर एंडिंग दिस सेशन you will join again with the same thing. Okay, so I'm continuing. So the mask is semi-dramatic, means masks are not complete dramas. So and part of festivities means part of celebrations.
Mask includes songs, dances, elaborate settings. Elaborate settings are settings designed by good architects. Okay, there were several good architects who worked for the architecture of the stage. Okay, you joined again. So I was talking about several ingredients of mask. That is, this includes songs, dances, elaborate stage settings. Elaborate stage settings are beautiful settings done by several architectures. There were several architects who designed the stage and the interior of the famous mosques and several mosques. And there are two famous architects, Giulio Romano, G-I-U-L-I-O, Giulio Romano, R-O-M-A-N-O, and Inigo Jones, I-N-I-G-O, J-O-N-E-S. Okay, Inigo Jones. Inigo Jones was an architect who works in collaboration with Ben Johnson. First, the architect design architecture design of several masks. ठीक है, इनिगो जोन्स ने बेन जॉनसन के साथ बहुत सारे मास्क का आर्किटेक्चर तैयार किया था. उसके कोलैबोरेशन में एक लंबे समय तक इनिगो जोन्स ने वर्क किया था. इनिगो जोन्स से क्वेश्चन भी आया था, आगे मिलेगा आपको. ओके, सो इन अर्लियर परफॉर्मेंस आर द प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑफ मास्क आर नोन एज पेजियंस. ओके, पेजियंस, क्लियर. And the architectural framing and costumes might be designed by a renowned architect to present a differential allegory flattering to the patron. ये सारी architecture किस लिए होती थी? For the flattery of the patron. Means जो king होता था, जो duke होता था, उसकी flattery के लिए ये सारा design होता. ओके, सो जो बेस्ट एग्जांपल यहां पर है, एक जिससे क्वेश्चन भी आया है, बेन जॉनसन का प्लेजर रिकनसाइल्ड टू वर्च्यू. प्लेजर रिकनसाइल्ड टू वर्च्यू इज अ मास्क व्हिच वाज रिटन फॉर द परफॉर्मेंस अलोंग विद ओथेलो. ओके, एंड लेटर Mask of Comus, written by John Milton. These are two famous examples. और अगर आप Ben Jonson से पहले की बात करें तो John Lilly. Okay? एक मिनट. जॉन लिली, ठीक है, जॉन लिली के वर्क्स में आपको मास्क मिल जाएगा. जॉन लिली, जॉन लिली हैज रिटन मास्क बिफोर बेन जॉनसन एंड आफ्टर बेन जॉनसन यू मे फाइंड मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन, दैट इज मास्क ऑफ कोमस. तो ये एक ब्रीफ डिटेल थी अबाउट मास्क एंड अदर फोर टाइप of practices of drama in Jacobian age, that is Jacobian drama. There are few questions. Okay, first question is question from December 2011, second paper. Who among the following is not a practitioner of Jacobian tragedy? इनमें से पूछा है कि कौन Jacobian tragedy का practitioner नहीं था. तो आप ध्यान रखिए कि आप well known हैं. जॉन बेस्टर ने दो ट्रेजेडीज लिखी, बेल ट्रेजेडीज लिखी, रेवेंज ट्रेजेडीज लिखी, ठीक है. थॉमस मिडलटन आल्सो हैज रिटन ट्रेजेडीज, जॉन मार्स्टन आल्सो हैज रिटन ट्रेजेडीज, बट जॉर्ज विलियर्स वाज नो राइटर, नो प्लेराइट, ही वाज अ पॉलिटिशियन,
okay, George Villiers was a politician of 16th century of the Jacobean age. He was not a dramatist. That's why the answer is George Villiers. Okay, so next is an English architect and a stage designer, beginning 1605, joined Jacobean court to design masks, contributed significantly to the spectacular theater, which succeeded the Commonwealth after his death. The first designer to use revolving screens to indicate scene changes on the English stage. Identify the artist designer. The artist designer was Inigo Jones, जिसका नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा. He collaborated with Ben Jonson for several years. Okay?